फ्रेंड्स, मैं हूं कृतिका शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी की मिसेस पे। आज मैं दिखाने वाली हूं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी डलहौजी में जिसकी गवाही खूबसूरत वादियां भी हैं, ये खूबसूरत मौसम भी है और मैं हूं और आप हैं। तो चलो चलते हैं डलहौजी की एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जहाँ आके आपको ऐसा फील होगा कि वाकई हर किसी के पहाड़ों में रहने के खूबसूरत सपने सच हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि इस प्रॉपर्टी पे मैं सारी उम्र आई कैन स्पेंड विदाउट एनी इंटरनेट, विदाउट एनी वाईफाई। हौजी की वादियों में सुबह हो चुकी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट करें, बिकॉज हमें जाना है आज साच पास अराउंड 14,500 फीट पे। इट्स टू फार, अगर हमें शाम को टाइम पे आना है तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। बस हम रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। वैसे मुझे माउंटेन सिकनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसे ट्रैवल में वॉमिटिंग नहीं आती, बट आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इस ट्रिप में, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है, मुझे बैक टू बैक वॉमिटिंग्स आ रही हैं। तो मैंने लिए हैं टॉफिस जिसे मैं च्यू करती रहूँगी जिससे मुझे नौजिया नहीं रहेगा। फाइनली बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद हमें मिली एक छोटी सी शॉप जहाँ हमने लिए आलू और पनीर के पराठे और साथ में हमने ली डिलीशियस सी दही। एक्चुअली मेरे लिए हैवी था बट मैंने खा लिया था, बस अगर ये ना खाती तो फिर कुछ भी ना मिलता मुझे। हम पहुँच चुके हैं एप्पल गार्डन में। अभी तो ये सेब कच्चे हैं और हिमाचल में सेब पकने का टाइम है आफ्टर अगस्त। बस हमने एप्पल गार्डन देख के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया इन खूबसूरत वादियों की तरफ। इट्स सो प्रिटी। साच पास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होते हैं, इनफैक्ट इन समर्स टू इट्स -7 अराउंड। हमें रास्ते से मिला ये स्नो सूट। मेरे और मेरे हस्बैंड में, मैं माउंटेन लवर हूँ और मेरे हस्बैंड बीच लवर है, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम साल के 6 महीने में माउंटेन्स जाएंगे और साल के 6 महीने में बीचेस को एक्सप्लोर करेंगे। साल के पहले 6 महीने में जब हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम होता है तो हम प्रेफर करते हैं माउंटेन्स को। ये झरना मेरे पूरे रास्ते का सबसे फेवरेट झरना था। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है, आपको पता चल ही गया होगा। हमारी गाड़ी ने क्रॉस किया इस झरने को। इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जब हमारी गाड़ी ने इस झरने को क्रॉस किया। सच बताऊंगी थोड़ा स्केरी भी था। एक साइड माउंटेन था और दूसरी साइड खाई थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत एक वर्सेटाइल कंट्री है। कहीं ग्लेशियर है, कहीं पहाड़ है, कहीं झरने हैं, कहीं तालाब है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं खूबसूरत मैदान है। तो सिर उठाइए और गर्व से कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ट्रैवल जर्नीज तब तक प्लेजर देती है जब तक मेरी वेट लॉस जर्नी इफेक्ट नहीं होती, और आपको ये डेडिकेशन अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो चलो मेरे साथ थोड़ी सी साइट सीन करते हैं साच पास की। भाई इतनी दूर आए तो थोड़ा तो एंजॉय करना बनता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं ऐसी खूबसूरत जगह पे जो ऐसे लग रहा था यशराज फिल्म्स के सेट्स हों। फाइनली हार्ड वर्क पेज ऑफ। जगह जितनी खूबसूरत लग रही है उस यहाँ तक पहुंचने में उतनी ही ज्यादा मेहनत लगी है। टाइम टेकिंग, इट टुक ऑलमोस्ट 6 आवर्स। हमें सब पूछते हैं आप 2 बच्चों के साथ ऐसी जर्नीज कैसे मैनेज करते हैं, पर मुझे लगता है बच्चों को शुरू से ये हैबिट्स डालनी चाहिए। अपने बच्चों को अपनी कमजोरी ना बनाएं, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और उनके साथ घूमने जाएं, पूरा वर्ल्ड टूर करें। मैं और मेरे हस्बैंड तो बस निकल पड़ते हैं बच्चों के साथ ऐसी जर्नीज पे। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसी जर्नीज पे जाते हैं विदाउट एनी फियर तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। I'm a प्योर नेचर लवर, माउंटेन, फ्लावर्स, नेचर, आई जस्ट लव एवरीथिंग। डलहौजी पहुंचते पहुंचते हमें हो गई थी रात। थैंक गॉड इकलौता साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला था जहां मैंने एंजॉय करी इडलीज। अब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आके मैंने पी कड़ी पत्ता और नींबू की ये चाय। ये हमारा आखिरी दिन था डलहौजी में और इस ड्रिंक को पीने के बाद आई फील सो कम्प्लीट। मैंने अपनी ट्रैवल जर्नी के साथ साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को भी एंजॉय किया। Dear Dalhousie, we had a great time together and I'm gonna miss you. See you soon. अगर आपको मेरा ये ट्रैवल व्लॉग, ये मेरा फिटनेस जर्नी का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन थेरेपी का काम करता है। सो थैंक यू सो मच, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। See you tomorrow with a new vlog.